हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आईटीआई वालों के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी निकल कर आई है। यदि आप भी आईटीआई पास आउट हैं तो टेक्नीशियन पोस्ट राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्था हमीरपुर एनआईटी हमीरपुर में निकल कर आ गया। तो चलिए इसकी नोटिफिकेशन को हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन को देखने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना होगा सक्सेस करियर, ठीक है। यहाँ पे सक्सेस करियर लिखकर सर्च करिएगा गूगल पे। उसके बाद सक्सेस करियर की जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी सक्सेस करियर, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, successcareer.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा एनआईटी हमीरपुर वॉरियर्स पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023, ठीक है। यानी कि वेरियस पोस्ट के लिए निकाला गया है। यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे आईटीआई वालों के लिए। वेरियस पोस्ट है, बहुत ढेर सारी वैकेंसी है अलग अलग के लिए। यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट देख लीजिए, 16/6/2023 से फॉर्म को भरा जाएगा। और ये फॉर्म कब तक भरा जाएगा, 16 से लेकर ये फॉर्म भरा जाएगा 10/7/2023, यानी कि 10 जुलाई 2023 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। और अप्लीकेशन फीस 10/7/2023 तक दे पाएंगे। डेट ऑफ एग्जाम और एडमिट कार्ड बाद में अवेलेबल हो जाएगा। अब देख लीजिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोगों को मिनिमम एप्लीकेशन फीस जनरल और ओबीसी के लिए 1500 रुपए है और एसटीएससी के लिए 750 रुपए है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ मैक्सिमम एज 27 साल टेक्नीशियन पोस्ट के लिए होना चाहिए आईटीआई वालों के लिए, और सीनियर टेक्नीशियन के लिए 33 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ पे आके आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी नोटिफिकेशन को हम डिस्कस कर दे रहे हैं आप लोग को सही ढंग से, आप लोग अंत तक बने रहेगा, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर देखेंगे तो 2 एडवर्टाइजमेंट नंबर है, तो आप में को दूसरा वाला एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है ये आईटीआई वालों के लिए है। यहाँ पे आएंगे तो देखिए टेक्नीशियन पोस्ट जो निकला हुआ है ये आईटीआई वालों के लिए है। टोटल यहाँ पे 22 पोस्ट निकल कर आई है और यहाँ जो सैलरी रहेगी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये रहेगा, ठीक है। यानी कि टोटल 22 पोस्ट है सिर्फ टेक्नीशियन आईटीआई वालों के लिए। और आपको फॉर्म कैसे भरना है तो www.nith.ac.in, चलिए फॉर्म भरने का तरीका मैं बताऊंगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए 10/7/2023 है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान हमीरपुर द्वारा जारी किया गया है और ये आज ही जारी किया गया है, ठीक है। अब कुछ इसेंशियल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, तो ये कहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, एनेक्जर वन में। तो चलेंगे हम एनेक्जर वन में और देख लेते हैं, इससे पहले कोई अन्य इन्फॉर्मेशन हो तो जो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग फीस और एग्जामिनेशन फीस ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 तो प्रोसेसिंग फीस है और 750 एग्जामिनेशन फीस है, टोटल मिला के 1500 मैं आप लोगों को बताया हूँ। ऐसे ही एसटीएससी वालों के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस नहीं लग रहा है लेकिन एग्जामिनेशन फीस 750 रुपये लग रहा है, तो टोटल यहाँ पे 750 रुपये एसटीएससी और पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट को यहाँ पे देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अन्य डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बहुत ही गवर्नमेंट जहाँ पे ये एनआईटी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का है, एनआईटी कॉलेज का है, जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे निकला हुआ है वैकेंसी। चलिए हम आगे देखते हैं, कोई भी अन्य चीज जो इम्पोर्टेंट हो वो डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे जो चीजें सामने आएंगी डॉक्यूमेंट में, आप लोगों को यहाँ पे हाई स्कूल मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। क्लास 12 का सर्टिफिकेट होगा तो वो डिग्री डिप्लोमा जो भी है उसका सर्टिफिकेट लगेगा। और देख लेते हैं कोई अन्य इम्पोर्टेंट, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग चाहेंगे तो इसको देख लीजिएगा, अभी ये लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, तो www.nith.ac.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर 16/6/2023 से 10/7/2023 तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है और पेमेंट प्रोसेसिंग फीस जो है वो आपको जमा करना होगा। उसके बाद गाइडलाइन फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए गाइडलाइन है, आपको इस वाले वेबसाइट पे चले जाना है, वहाँ पे सेलेक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है और उसके बाद कॉर्पोरेशन हिमाचल प्रदेश सेलेक्ट करना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है और गो पे क्लिक करना है। उसके बाद एनआईटी सेलेक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट नेम में एनआईटी हमीरपुर सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी में रिक्रूटमेंट फीस सेलेक्ट करना है। चलिए अन्य डिस्कस करते हैं, अब आप लोग को लेकर चलते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट, मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया 13/6/2023 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 16/6/2022 से इस फॉर्म को 16/6/2023 से इस फॉर्म को भरा जाएगा, 10/7/2023 शाम 5 बजे तक फॉर्म को भर पाएंगे। एनी डिफिकल्टी और टेक्निकल हेल्प के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑफिस पे संपर्क कर सकते हैं जो कि सीनियर साइंटिफिक ऑफिस कंप्यूटर सेंटर एनआईटी हमीरपुर, या ईमेल के द्वारा या फोन के द्वारा भी आप
कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9:30 बजे सुबह से लेकर 5:00 बजे तक। अब आइए एनेक्जर 1 में हम लोग आ गए और हम टेक्नीशियन पोस्ट की डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पे देख लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, कौन कौन एलिजिबल होंगे यहाँ पे। ये देखिए जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है और नीचे चलेंगे सीनियर असिस्टेंट पोस्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट है जो कि डिप्लोमा वालों के लिए है और जूनियर इंजीनियर के हैं, स्टूडेंट एक्टिविटी। उसके बाद और नीचे आएंगे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल 22 पोस्ट है, जनरल के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एसटीएससी के लिए एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 5 है। यहाँ पे स्केल पे यहाँ पे 5200 से 20200 स्केल पे रहेगा, ग्रेड पे आपका 200 रहेगा, ठीक है। 7 CPT, एज लिमिट 27 साल आपका मांगा हुआ है। अब एजुकेशन इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी 10+2 विथ साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ एटलीस्ट 60% मार्क के साथ आपका 12 पास आउट होनी चाहिए, या सीनियर सेकेंडरी 10+2 के गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज से 50% मार्क के साथ आईटीआई कोर्स 1 ईयर हायर ड्यूरेशन अप्रोप्रिएट ट्रेड में होनी चाहिए, या सीनियर सेकेंडरी 10 विथ एटलीस्ट 60% आपका होना चाहिए और आईटीआई सर्टिफिकेट आप 2 ईयर ड्यूरेशन अप्रोप्रिएट ट्रेड में आपका है तो अप्लाई कर सकते हैं, या डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 ईयर्स का है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से हैं। तो ये था टेक्नीशियन की पोस्ट जो कि मैं आप लोगों को बताया। अब आगे चलते हैं, अन्य कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो यहाँ पे देखिए ये कैंडिडेट एसटी वालों के लिए फार्मेट दिया हुआ है, तो ये फार्मेट इसी में इंक्लूड है, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, लेटेस्ट जॉब पे आएंगे, एनआईटी हमीरपुर वॉरियर्स पोस्ट पे क्लिक करिएगा, ये फॉर्म आपको खुल जाएगा, आपको नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे अप्लाई लिंक दिया हुआ है ना, अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट 16/6/2023 दिया हुआ है, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। जब 16/6/2023 को लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्था हमीरपुर पे, और यहाँ पे आएंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विल बी अवेलेबल 16/6/2023 लिखा हुआ है, यहीं पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा जहाँ से आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ये था सारी इन्फॉर्मेशन, यदि इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।